अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आज के सबक का आगाज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने सूरह अनफाल का तीसरा रुकू शुरू किया है। तीसरा चैप्टर है ये, आयात नंबर 20 से 28 तक ये चैप्टर है आपका। शुरू की दो आयात हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ ली थी, जिसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर मुसलमानों को, मोमिनों को अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत के बारे में हुक्म दिया गया है, और कुछ ऐसे लोगों की मिसाल देकर बताया गया है कि जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात को, वही को, तालीम को सुनते हैं, लेकिन असल में, हकीकत में वो नहीं सुनते और उस पर अमल नहीं करते, ईमान नहीं लाते। अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसे लोग जानवरों से भी बदतर हैं, गूंगे और बहरे जो अकल नहीं रखते। आज हम अगली आयत का तर्जुमा करेंगे। आइए इसका आगाज़ करते हैं। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ, वा और लौ अगर, अलीमा इल्म से लफ्ज़ है, अलीमा जान ले, अल्लाह अल्लाह ताला। वलौ अलीमल्लाहु, अगर अल्लाह ताला जान लेता, मालूम कर लेता, आलिमा इल्म से है ना, इल्म होता है मालूम होना, इल्म होना। फी हिम, फा और या, फाइजेर फी मतलब में, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, किसी चीज के अंदर, और हिम इन में, यानी ये लोग। फी हिम इन में, वलौ अलीमल्लाहु फी हिम, अगर अल्लाह ताला इनके अंदर जान लेता, देख लेता, क्या देख लेता, खैरन नेकी, खैर भलाई, ला अस्माहुम, किसी भी वर्ब से पहले, फेल से पहले लाम अगर आएगा तो वो एम्फसाइज के लिए होता है, जोर देने के लिए होता है। ला अस्माहुम, अब ये सा, सीन, मीम और आइन समात से लफ्ज है, और ला अस्मा तो लाजमन समात देता हम इन्हें। अब ये समात, मैंने आपको कल भी प्रीवियस लेसन में भी समझाया था कि समात को दो तरह से आप समझेंगे। एक समात है जाहिरी सुनना, यानी आप बैठे हैं, कोई भी आवाज आपके कान में चली जाती है, कोई भी चीज आप सुन लेते हैं, देख आपको नजर भी आ रहा है, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। एक समात होती है हकीकत को समझना, हकीकत को सुनना, यानी आपके सामने कोई चीज बयान की जा रही है, आप सुन रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, आप सुन रहे हैं, और साथ साथ आप दिल से उस पर यकीन भी रख रहे हैं, आपको उसका जो है पूरा ईमान है उन आयतों पर, उन चीजों पर, आपको हकीकत महसूस हो रही है अंदर दिल में। इस चीज को भी जो कुरान के मफहूम है, शरई मफहूम में समात कहा जाता है। अब यहां पर यही कि बज़ाहिर तो वो जो काफिर हैं, जो कुरैश मक्का है, वो सुन सकते हैं, उनके देखने की भी सलाहियत अल्लाह ने दी है, सुन भी सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, तो वो सलाहियतें तो उनके पास हैं, लेकिन जो हकीकत को समझने की सलाहियत है, हकीकत को सुनने की, हक को सुनने की सलाहियत है, वो उनमें नहीं है। जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि वो कहते हैं कालू समय ना, वो कहते हैं हमने सुन लिया, वहुम ला यस्माउन, जबकि वो नहीं सुनते। मुराद ये है कि वो उसको हक नहीं मानते, सुन लेते हैं लेकिन उनके अंदर जाती ही नहीं है बात, उसको हकीकी मानते ही नहीं है। वो कहते हैं ये तो बस कहानियां हैं, पिछले लोगों की कहानियां हैं, सुन ली हमने, ये तो ऐसी है, हमसी चीज है। लेकिन यही आयात हैं कि जब इंसान, जिसके अंदर नेकी हो, भलाई हो, अच्छाई हो, जब वो सुनता है तो फौरन ही मान ले आता है। जो मिसाल है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की, जो पहले नॉन मुस्लिम थे, इस्लाम नहीं लाए थे, बहन के बारे में सुना तो बहुत गुस्से से चल पड़े कि मैं कत्ल कर दूंगा, लेकिन जब वहां अंदर से तिलावत की आवाज सुनी और बहन को तिलावत करते सुना, तो आयात ऐसे उनके अंदर उतरी, ऐसे उनके कानों से दिल तक पहुंची, और दिल ने तस्लीम किया कि यही तो हक है, यही तो सच है, और फौरन ईमान ले आए। तो वो समात, हकीकत को सुनने की समात जो है, ये वो मुराद है। यहां पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो बदतरीन जानवरों से भी बदतर लोग हैं, इनको कुछ अकल नहीं है, इनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ अलीमल्लाहु फीहिम खैरन, अगर अल्लाह उनके अंदर नेकी का मादा देखता, यानी थोड़ी सी भी नेकी देखता, लअस्माअहुम, तो इन्हें समात की तौफीक देता।
अब यहाँ पर भी हम एक बात जो हमारा ईमान है कि हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है, अल्लाह ताला चाहे तो सारी की सारी कायनात के जो लोग हैं, दुनिया है के इंसान है, वो सब मुसलमान हो जाएं एक ही लम्हे में। अल्लाह ताला चाहे तो एक लम्हे में सारी कायनात को गर्क कर दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिलता। तो ये लोग भी अगर अल्लाह ताला चाहते तो मोमिन हो सकते थे, लेकिन ये चीज अल्लाह ने इंसानों के ऊपर छोड़ दी। अल्लाह ने इंसानों के सामने एक सच का रास्ता, एक झूठ का रास्ता, दोनों वाजे करके रख दिए। सच क्या है, झूठ क्या है, वो भी सामने कर दिया। हक क्या है, बातिल क्या है, वो भी सामने कर दिया। और फिर इंसान के ऊपर फैसला छोड़ दिया कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है, क्या वो हकीकत को समझता है और हकीकत का रास्ता इख्तियार करता है, दीन के रास्ते पर चलता है, या वो शैतान का रास्ता इख्तियार करता है और बुराई की तरफ जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर उनमें जरा सा भी नेकी का मादा होता तो अल्लाह ताला उन्हें समाअत की तौफीक देता। वलौ असमाअहुम, और अगर उन्हें समाअत देता, यानी ये बात भी बताई गई कि अगर अल्लाह उन्हें समाअत दे देता, यानी उनके अंदर सोच समझने की, हकीकत को सुनने की सलाहियत नहीं है। देखें ब्रैकेट में लिखा है बगैर सलाहियत और हिदायत के, यानी उनके अंदर नेकी नहीं है, सलाहियत नहीं है हक को पहचानने की। अगर अल्लाह ताला उन्हें समाअत देता, लतवल्लौ, तो वो लाजमन मुंह फेर लेते। लतवल्लौ, तो वो रूगरदानी करते। वहुम मोरिदून, और मुंह फेर कर चले जाते। यानी अल्लाह ताला अगर उनके अंदर नेकी नहीं है, उनके अंदर अच्छाई नहीं है, उनके अंदर सुनने की, हक को पहचानने की सलाहियत नहीं है, तो अगर अल्लाह ताला उन्हें ऐसी तौफीक दे भी देता, उन्हें सुनने की सलाहियत दे भी देता, वो तब भी रूगरदानी करते और मुंह फेर कर भाग जाते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये वही अल्फाज हैं जो पहली जगह पे भी थे, मैंने आपको बताया था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब देखें ऊपर उन्होंने इसका तर्जुमा लिखा है ए ईमान वालो, यहां पर इसका तर्जुमा लिखा है मोमिनो। और मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया था कि मोमिनों को मुखातिब करके कहा जा रहा है। आप दोनों में से कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, ए ईमान वालों भी लिख सकते हैं या फिर आप मोमिनों भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि पुकारा जा रहा है मोमिनीन को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अस्तजीबू, कबूल करो, हुक्म मानो, लिल्लाही, अल्लाह का, वलिर रसूल, और उसके रसूल का। ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को कबूल करो। इजा, जब, दाआकुम, दाआ होता है दावत देना, बुलाना, और कुम तुम्हें, जबकि वो तुम्हें बुलाते हैं, लिमा, उस चीज की तरफ, युहजीकुम, युहजी आपने लफ्ज पढ़ा होगा, हई, हई अल्लाह ताला का नाम है, हई जिंदा और जावेद, हई कहते हैं जिंदा को, युहजीकुम जो तुम्हें जिंदगी बख्शता है। इजा, जब, दाआकुम, वो तुम्हें बुलाते हैं, लिमा, उस चीज की तरफ, युहजीकुम जो तुम्हें जिंदगी बख्शता है। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किस चीज की तालीम देते हैं, दीन की, हक बात की, सीधे रास्ते की। और ये रास्ता हमें क्या करता है, जिंदगी बख्शता है। कैसी जिंदगी, जिंदा तो हम हैं, जिंदगी मतलब आखिरत की जिंदगी। जाहिर है कि जब हम दुनिया में दीन के रास्ते पर चलेंगे, हक के रास्ते पर चलेंगे, तो हमें आखिरत की जिंदगी मिलेगी, जो हकीकी जिंदगी है और हमेशा रहने वाली जिंदगी है। इस दुनिया में तो हमें मौत आ जाएगी, आखिरत में मौत नहीं आएगी, ख्वाह हम जन्नत में जाएं या दोजख में। जो शख्स दोजख में जाएगा वो भी ता हयात रहेगा, वहां मौत नहीं आएगी, और जो जन्नत में जाएगा वो भी हमेशा जिंदा रहेगा, उसे मौत नहीं आएगी। और यहां दर हकीकत उसी जिंदगी की बात हो रही है। यहां ब्रैकेट में देखें लिखा है जावेदा, जावेदा कहते हैं हमेशा रहने वाली, यानी कि वो आपको बुलाते हैं ऐसी जिंदगी की तरफ जो हमेशा रहने वाली है। समझ आई आपको आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की दावत को कबूल करो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को कबूल करो, मानो, इजा दाआकुम लिमा युहजीकुम, जबकि वो तुम्हें बुलाते हैं ऐसी चीज की तरफ जो तुम्हें जिंदगी बख्शता है। वालमू, और जान रखो, ये तंबीह के लिए होता है लफ्ज, वालमू, वा और आइन लाम और मीम के साथ, इल्म, इल्म रखना, जानना, वालमू, और जान रखो,
अन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला यहूलू या होता है वो और हूल कहते हैं दरमियान यहूलू हायल होना दरमियान में सॉरी बैना होता है दरमियान हूल होता है हायल होना बीच में आ जाना यहूलू वो हायल होता है बैनल मरई व कल्बी बैन कहते हैं दरमियान बीच में किसी चीज के किसके बीच में मरई आदमी व कल्बी ही कल्ब कहते हैं दिल और ही उसका आदमी और उसके दिल के दरमियान कौन है अल्लाह ताला क्या हो जाता है हायल हो जाता है बीच में होता है ये क्या मुराद है वो जिसे हम कहते हैं अल्लाह ताला हर एक इंसान के करीब है और हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला इंसान की शहरक से भी करीब है शहरक कौन सी है ये हमारे हलक से जो गुजर रही है मेन रग जिसके कटने से इंसान जिंदगी और मौत दो चीजों के बीच में खत्म हो जाता है यानी इंसान की मौत वाकई हो जाती है दिल से भी करीब दिल और आदमी और उसके बीच में अल्लाह ताला मौजूद होता है यहाँ मुराद ये है कि अल्लाह ताला इंसान के इतने करीब होता है इतना करीब बीच में वालमु और जान रखो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यहूलू हायल हो जाता है बैनल मरई व कल्बिही आदमी और उसके दिल के दरमियान व अन्नहू और बेशक उसी की तरफ अन्नहू वही है इलैही उसकी तरफ इला होता है की तरफ और ही उसकी तुहशरून तुम जमा किए जाओगे यानी कि ये जो कुछ भी दुनियावी जिंदगी है चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो जो कुछ वो अमल कर रहे हैं जो कुछ करते हैं अब यहाँ पे हायल होने में भी यही तंबीह है कि तुम जो सुनते हो करते हो चाहे वो मुसलमान हो या ना गैर मुस्लिम हो अल्लाह ताला आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल होता है वो आदमी मुस्लिम भी है और गैर मुस्लिम भी है अल्लाह ताला बीच में है और वो जो सुनता है क्या वो ईमान से सुनता है या मुनाफकत रखता है अपने दिल में क्या वो ईमान से अमल करता है या मुनाफकत से अमल करता है तो अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है किस लिए क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के और उसके दिल के दरमियान में होता है इतना करीब है इंसान के कि उसके हर कॉल और फेल को अल्लाह ताला जानता है समझता है ठीक है तो बेसिकली इस आयत का मफहूम इस तरह से है वह अन्नहू इलैही तुहशरून और ये के उसी के रूबरू तुम जमा किए जाओगे चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम सबने आखिरत में कयामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होना है तो जो कुछ वो अमल करते रहे हैं जो कुछ इंसान सोचता है करता है कहता है वो सब सामने आ जाएगा क्लियर होगी आयात यहां तक आज के लिए काफी है बहुत इम्पोर्टेंट आयात हैं आपको मैं रिपीट कर देती हूँ वलौ अलिम अल्लाहु फीहिम खैरल्ला अस्माअहुम और अगर अल्लाह ताला उनमें नेकी को जान लेता तो उन्हें समाअत की तौफीक देता वलौ अस्माअहुम और अगर उन्हें समाअत की तौफीक देता लतवल्लौ तो वो रूगरदानी करते वहुम मुरीदून और मुंह फेर कर भाग जाते या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को कबूल करो इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम जबकि वो तुम्हें बुलाते हैं ऐसी जिंदगी की तरफ जो जाविदा है जो हमेशा रहने वाली है जो तुमको जिंदगी बख्शता है वालमु और जान रखो अन्नल्लाहा यहूलू बैनल मरई व कल्बिही और जान रखो कि अल्लाह ताला आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है व अन्नहु इलैही तुशरून और ये कि उसी तुम सब उसी के रूबरू पेश किए जाओगे उसी के रूबरू जमा किए जाओगे यानी कि कयामत के दिन अल्लाह के सामने तमाम लोगों ने पेश होना है ठीक है जी यहाँ तक काफी है इतनी रीडिंग करें समझें इंशाल्लाह नेक्स्ट आयात अगले लेसन में पढ़ेंगे अल्लाह हाफिज